उफ, इतनी गर्मी, नाजुक बदन और जेल में पंखा भी नहीं। एसी कूलर में रहने वाली खुशबू सिंह का बदन तो जेल में पसीने से तरबतर होता जा रहा है, लेकिन जेल के अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। खुशबू ने उन्हें अपने पैसे से एसी खरीदने की मांग की, लेकिन जेल अधीक्षक ने नियमों का हवाला देकर मना कर दिया। अब ये गर्मी कैसे कटेगी? जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में जेल जाने के बाद से ही डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू का सुकून छिन गया है। जेल में रहने से न उन्हें दिन में चैन मिल रहा है और न रात को ही नींद आ रही है। करवटें बदलने में ही उनकी रात कट जा रही है। जेल में दोनों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेकर डॉक्टर राजीव और खुशबू की मुलाकात कराई गई। 25 मिनट तक चले इस मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे को कोसते रहे। पहले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर मुकदमे से संबंधित बातें होने लगी। बीच बीच में घर परिवार की चर्चा हुई। खुशबू अधिक गर्मी से परेशानी की बात कह रही थी। बता दें कि खुशबू ने महिला वार्ड में काफी गर्मी की कारा प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की है, एसी या कूलर मुहैया कराने का अनुरोध किया है। हालांकि कारा प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। खुशबू ने पंखा बदलवाने की भी मांग की। उसने शिकायत करते हुए कहा कि वो जिस वार्ड में रह रही हैं, उसका पंखा काफी धीमी गति से चल रहा है, आवाज भी करता है, जिस पर कारा प्रशासन ने पंखा बदलवाने का आश्वासन दिया है। हालांकि जेल जाने के बाद खाने के लिए परेशान रहने वाली खुशबू अब जेल के मन मिजाज में ढलने लगी हैं। पति से मुलाकात के दौरान वो भोजन को लेकर अधिक परेशान नहीं दिखी। हालांकि उसके लिए अलग से रोटी सब्जी की व्यवस्था की गई है। वहीं राजीव सिंह ने आमद वार्ड के मेज में बनने वाले चावल, रोटी व भिंडी की सब्जी खाई। पति पत्नी ने जेल अस्पताल पहुंचकर बेचैनी की शिकायत की। इसके बाद जांच की गई। जांच में सब कुछ नॉर्मल पाया गया, फिर भी काढ़ा चिकित्सकों ने उसे दवा दे दी। आपको बता दें कि राजीव सिंह बिहार के सत्ताधारी दल जदयू में पद धारक थे, लेकिन गोलीकांड का मामला सामने आते ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया।